टीकमगढ़ शहर में वन विभाग के समीप स्थित नायक दूध डेयरी से समीर खान निवासी खाई मोहल्ला जब दूध लेकर गया और कुछ घंटे बाद उबाला तो दूध फटकर रबड़ की तरह खिंचाने लगा। ज्ञात हो कि नायक दूध डेयरी रविशंकर नायक की है, जिसके बारे में मोहल्ले वालों ने बताया कि कई बार नायक डेयरी द्वारा सिंथेटिक दूध बेचे जाने की शिकायत की गई, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई और हर बार लेन देन का मामला रफा दफा कर दिया जाता है। इसी बीच मीडिया द्वारा फ़ोन करने पर SDM मनोज प्रजापति के निर्देश पर नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमार ने नायक डेयरी पर जाकर और सैंपल लेकर पंचनामा बनाया। इस बार भी जब नायक तहसीलदार जांच कर रहे थे तब डेयरी संचालक बार बार किसी से फ़ोन पर बात करवाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि नायब तहसीलदार ने हर बार बात करने से मना कर दिया। एक बात ध्यान देने के लायक यह है कि लॉकडाउन के चलते डेयरी पर दूध कहाँ से इकट्ठा हो रहा है, जबकि डेयरी के दूध वाहन क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। इस वजह से इस शंका को बल मिलता है कि सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है। इस बार SDM मनोज प्रजापति ने कहा है कि इस बार बक्सा नहीं जाएगा और कठोर कार्यवाही की जाएगी। वहीं दूसरी ओर यह भी जानकारी मिली है कि इस मामले को निपटाने के लिए एक विधायक के घर पर भी डेयरी संचालक पहुंच चुके हैं। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। सर, ये क्या मामला है? एक शिकायत प्राप्त हुई थी, नायक डेयरी है यहाँ पे जी, जो नया पुराने बस स्टैंड के पास में SDM महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पे जांच के लिए उपस्थित हुआ। एक आवेदक है इमरान खान, उन्होंने शिकायत करी है कि जो दूध वो ले गए थे उसका मतलब सिंथेटिक दूध है और उसके रबे टाइप के उनके हो गए हैं दूध के टुकड़े के। तो यहाँ के मौके से जो भी दूध दुकानदार द्वारा दिया जा रहा था उसको सैंपल के तौर पर 2 पैकेट में रख लिया गया है जी, जिसको जाँच के लिए खत सुरक्षा अधिकारी को भेजा जा रहा है। जांच के जैसे ही जांच हो जाएगी उसको प्रांत विधिक कार्रवाई की जाएगी जो भी नियम अनुसार। समीर खान आपका नाम क्या है? समीर खान। समीर खान कहाँ के रहने वाले हैं? खाई मोहल्ला पुराना बस। क्या हुआ था? दूध लेने आए थे, गए थे इनके साथ, दूध लिया था, जब उठाया तो ऐसा फट गया जी, चुम्बक की तरह तल रहे हैं, चुम्बक की तरह। ऊपर करो आप थोड़ा, ऊपर ID से ऊपर करो। हाँ, दूध चुम्बक की तरह तल रहे हैं बोले। अच्छा, ये तल रहा जी, रबड़ की तरह तल रहा जी। आप दूध अभी ले गए थे कि सुबह? दोपहर में ले गए थे। फिर उसको उबाला था आपने? हाँ। ये बोले कि पनीर ले गए थे आप? नहीं, आपसे दूध ले गए थे। बोले तो ये तो पनीर है, पनीर बन गया। अच्छा, तो मतलब ये नकली दूध है आपके कहने का मतलब? ये देखो रबड़ की तरह तल रहा है, चुम्बक की तरह। सर, ये पहली बार हुआ कि इसके पहले भी इनने ऐसा दूध दिया? ऐसा अभी क्या ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।